कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के इस्तीफे पर कहा कि देश प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते भाजपा स्वास्थ्य विभाग में घोटाले और भ्रष्टाचार के पाप से मुक्त नहीं हो सकती है। इन नेताओं ने कहा कि वे बिंदल के इस्तीफे से साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला है, पर कहीं निष्पक्ष जांच के बाद पूरी दाल ही काली ना मिले। राठौर और अग्निहोत्री ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि बिंदल के इस्तीफे से कांग्रेस के प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए हैं। इन नेताओं का कहना है कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए वे भी नैतिकता की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार की पूरी पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तो इस भ्रष्टाचार की एक पोल खुली है, आगे आने वाले समय में तो कई परतें और जुड़कर खुलेंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े घोटालों में और भी कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सरकार की जांच एजेंसी कहीं इस पर लीपापोती करके इनके नेताओं को बचाने का प्रयास करें। उन्होंने विजिलेंस की जांच पर भरोसा ना जताते हुए इसकी जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने की मांग की। नहीं देखिए, महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य खरीद में घोटाला जो है निश्चित तौर पे जो है उसमें कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी थी, और वो कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा के तौर पे सामने आई है। अब बात बहाने चाहे जैसे भी बनाए जाए, चाहे इसको जो है नैतिक आधार पर इस्तीफा कहा जाए या ये कहा जाए कि पेंडिंग इंक्वायरी इस्तीफा है, लेकिन भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा ने साबित कर दिया है कि भाजपा जो लगातार ये कहती है वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, वो बात सामने आ गई है। और जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वो बेनकाब हो गया है, और हम अब भी चाहेंगे कि सरकार समय रहते इसकी इसका जुडिशियल ऑर्डर करे सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट से, और ताकि पूरी सही स्थिति सामने आए, क्योंकि ये सामान्य काल नहीं है, ये पैंडेमिक का टाइम है, ये महामारी का समय है। वैश्विक महामारी ने जब सारे देश को प्रभावित किया हुआ है, और ऐसे में इनके अपने मुख्यमंत्रियों ने जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा है, जैसे प्रेम कुमार धूमल जी ने इसे कहा है कि ये देशद्रोह से जुड़ा हुआ मसला है, खरीद में जो है बेईमानी, या शांता कुमार जी ने ये कहा है ये महापाप है, या जो है इसमें ट्वीट भी भाजपा नेताओं ने भी किए हैं। तो ऐसा इसलिए महामारी के काल में जब लोगों ने अपने तनख्वाहें दी हैं, डोनेशंस दी हैं, मदद की हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग जो हैं इसका नजायज फायदा उठा रहे हों स्वास्थ्य की खरीद में, वो लोग कौन हैं, वो एक्सपोज तो होने चाहिए थे।